नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। रीवा में लोकसभा 2024 के दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने में सफल रहा, लेकिन मतदान केंद्रों में सन्नाटा पसरा रहा। नेता वोटरों को घर से निकाल पाने में असफल दिखे। खैर, अब वजह यह भी आ रही है कि लोग शादी ब्याह में व्यस्त थे। शादियां प्रतिबंध इतना ज्यादा था तमाम ये इसने बहुत व्यवधान पैदा किया, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा। मतलब उन्हें प्रत्याशियों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जीतने के बाद माननीयों को जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। खैर, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में सबसे कम वोटिंग रीवा संसदीय क्षेत्र में हुई। इसको लेकर तरह तरह की कयासबाजी भी शुरू हो गई है। आजादी के बाद से शुरू हुए चुनावों के परिणामों पर नजर डाली जाए तो 7 बार ऐसे अवसर आए हैं जब रीवा सीट पर 50% से कम मतदान हुआ है। यह 8वां अवसर होगा जब 50% से कम मतदान हुआ है। देखा जाए तो 49.42% मतदान रीवा संसदीय क्षेत्र में हुआ है। पूर्व में कम वोटिंग के दौरान आए परिणामों में केवल एक ही ऐसा मौका रहा जब भाजपा के उम्मीदवार चंद्रमा त्रिपाठी को जीत मिली है। 3 बार कांग्रेसियों ने जीत हासिल की है, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल किया तो 3 बार बसपा ने। कांग्रेस ने उस दौर पर सीट जीती थी जब हर जगह कम संख्या में वोटिंग होती थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में शुरुआत से ही मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं दिखा। चौक चौराहों पर चुनाव की चर्चा बहुत कम सुनाई पड़ रही थी। राजनीतिक दलों की ओर से भी उतना जोर नहीं था। जनता का कहना था कि एक पक्ष बड़ी जीत मानकर चल रहा है, दूसरा पक्ष भी मान रहा है कि लड़ाई कठिन है। इस कारण चुनाव प्रचार की गति धीमी रही। अब मतदान के बाद जब 50% से कम वोटिंग हुई तो लोग पुराने इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं। एक ओर जहां भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने आत्मविश्वास से कहा कि जो भी मत पड़ा है उसमें 50% से अधिक उनका है, वहीं कांग्रेस और बसपा प्रत्याशी भी बदलाव का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस इतिहास रचने की खोज में है। यदि बसपा का वोट बैंक बढ़ा तो बीजेपी कटघरे में खड़ी हो सकती है। मतदाताओं को अब 4 जून का इंतजार है जब मतगणना में परिणाम सामने आएंगे। 1952 में देखा जाए तो 34.36% वोटिंग हुई थी, जिसमें राजभान सिंह तिवारी कांग्रेस से चुनाव जीते थे। यदि 1957 में देखा जाए तो 35.5% वोटिंग हुई, जिसमें शिवदत्त उपाध्याय कांग्रेस से जीते। इसी तरह 1991 में भीम सिंह पटेल 42.11% वोटिंग हुई थी, बसपा से चुनाव जीते थे। उसके बाद बुद्ध सेन पटेल। देखा जाए तो 2009 में वोटिंग प्रतिशत गिरने में बसपा ने बाजी मारी थी, जिसमें 48.35% वोटिंग हुई। देवराज सिंह पटेल सांसद बने थे। हालांकि भाजपा के चंद्रमण त्रिपाठी वोटिंग प्रतिशत गिरने के बाद भी सांसद बने थे। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की गुड़ागड़ी शुरू हो गई है कि भाजपा की मुश्किलें खड़ी हो सकती है। सूत्रों की माने तो मंत्रियों के गढ़ में वोटिंग प्रतिशत गिरने से पार्टी ने दिग्गज नेताओं को तलब किया है। खैर, जनता को सभी को इंतजार है 4 जून का, जब चुनावी परिणाम आएंगे। आप बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।